अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का शुरू करते हैं इफ्तारी के लिए। आज हम बोलते हैं कि हम ये कुछ नहीं बना रहे क्योंकि आज कुछ है नहीं घर में, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम डायरेक्ट सालन ही बना लें। तो इस वजह से हम रोटी सालन से ही आज रोजा खोलने वाले हैं। तो आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। सेम हमारा गरम हो जाता है तो हम इतनी बाकी की चीजें इस्तेमाल करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा गरम मसाला लगा लेंगे। ये डाल देंगे हम थोड़ा गरम मसाला इसमें। और ये तो हमने 1 पाव कीमा मंगाया था तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, ठीक है, बहुत ज्यादा आती है तो जैसे हम इस तरीके से डालते हैं ताकि किसी के पैर पर छूट ना आ जाए। पिछले दिनों भी हसनैन का पैर जल गया था। वो इतना महंगा हो रहा है, ये 1 पाव कीमा जो है ये 300 रुपये का आया है। तो जाहिर है इतने दिनों से दाल वगैरह कर रहे थे, कल भी हमने अंडे बनाए थे, आज हम चीनी बना रहे हैं। तो अभी इसमें सारे मसाले शामिल करते हैं जल्दी जल्दी से। दो चम्मच हमने नमक डाला है इसमें, 1 चम्मच ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। तो 3 चम्मच हमने इसमें पिसी मिर्ची डाली है और अभी हम इसमें धनिया शामिल करते हैं। तो मसाले मसाला तो हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमने अपना मसाला जो है सारा प्याज वगैरह जमा करके पीस लिया है, तो अब मैं वो इसमें डाल दूंगी। ये देखें, ये मैंने सारा मसाला पीस लिया था, इसमें डाल दूंगी। पकने के लिए चढ़ा देते हैं थोड़ा। जब तक हम इसमें थोड़ा सा नहीं नहीं बेटा पानी, तो जल्दी जल्दी से अभी हम आलू छील लेते हैं। और हम आलू, हमने थोड़ा दही मंगाया था तो हम उसकी फुलकियाँ बना लेंगे। तो माशाल्लाह से जी आज हमारे यहाँ आलू कीमा बनेगा और वही हम इफ्तारी में खाएंगे और वही सहरी में, क्योंकि मेरी दवाई वगैरह भी खत्म हो गई थी तो हमने आज वो मंगा ली ना, इसलिए पैसे हो गए खत्म। तो इसलिए हमने सोचा बस अब इसी में गुजारा करते हैं। तो इस वजह से रोजा हमने इसी से खोलना है। सालन तो हमारा थोड़ा देर से बनेगा। ये देखें,
दही की फुलकियाँ बन के हो गई हैं तैयार, ये हम इसमें डाल देंगे सारी। और इसको जो है हम ऐसे ही रखते हैं, और इसके में जो है हम जो ऊपर से थोड़ा सा मसाला चिली वो कर देते हैं, बाकी हम जो जिसने जितना डालना होता है वो अपने हिसाब से डालता है। ये है इसका दही बड़े का मसाला, वो मैंने चाट मसाला डाला था। हमारे दही बड़े बनके हो गए तैयार, आज हम इसी से रोजा खोलने वाले हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से, अब मैं हरा धनिया काट लेती हूँ, आलू तो हमने काट लिए थे, धनिया भी थोड़ा काट लेते हैं, तो हमने डालना है। देखिए भुनने पर आ गया है, तो हम आलू डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें ना पानी नहीं निकल रहा, माशाल्लाह से जी सालन हमारा बन के तैयार होने वाला है। भूख भी बड़ी तेज लगी हुई है, तो बस इंशाल्लाह खाएंगे। और सालन हमारा बन चुका है, तो अभी इसके अंदर हम शोरबा डाल देते हैं थोड़ा, ताकि जो है वो थोड़ा पतला हो जाए, तो इतना गाढ़ा खाया नहीं जाएगा सूखा सूखा। और ये के बर्तन भी जाएगी थोड़ी। चलिए जी, आलू गलने के लिए हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है, चूल्हे को तो फ्लेम तेज कर देते हैं, और साथ ही मैं इसमें ये चार हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ मैं। बाकी धनिया पत्ती हम बाद में डाल सकते हैं सालन का। तो माशाल्लाह से सालन हमारा बन गया है, तो अब हम इसके अंदर जो है धनिया पत्ती अपनी डाल देंगे। देखिए खाना खाने की तैयारी कर रही है अपनी। तो माशाल्लाह से जी देखें हमारा कीमा आलू जो है बन के हो गया है तैयार। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। तो अपनी बहन को बहुत सारी दुआओं में इजाज़त दीजिए, और आखिरी ऐसा चल रहा है इसमें बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं की हैं, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।